कुछ भूल रहा हूँ मैं? हाँ अभी तो बताया, तो हम अपने बेटी का नाम स्नेहा नहीं रखेंगे, एस को उड़ा देंगे, सिर्फ नेहा रखेंगे। कंपनीज का एक अलग चूल मची हुई है। अरे छोटी बच्ची हो क्या? Yes guys, the another beast from Poco F series has come. अभी बिना टाइम वेस्ट किए इस फोन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। इसकी डिजाइन के बारे में बात करूँ तो फोन दिखने में बहुत ही अच्छा और प्रीमियम है, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो आपको ग्लास का मिल जाता है, और वेट के पास देखोगे तो वो लगभग 195 ग्राम्स के आसपास आ जाता है। दो कलर ऑप्शंस इसका अवेलेबल है, एक है नाइट ब्लैक और दूसरा है नेबुला ग्रीन। डिस्प्ले भी इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 6.67 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसकी वजह से आप अगर धूप वगैरह में भी फ़ोन को यूज़ करोगे तो दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, एक और बात, इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे अगर आप कोई वीडियोस वगैरह कंज्यूम करोगे तो उसमें जो भी कलर्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही अच्छी और पंची देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। क्या कुछ भूल रहा हूँ मैं? हाँ भैया जी, वो आप शायद स्पीकर के बारे में बताना भूल गए। अरे अभी तो बताया, इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसकी वजह से साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी खासी इसमें आपको मिल जाता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो बताया मैंने, क्या बोल रहा है पागल मैनेजर कहीं के? हाँ अभी तो बताया। हाँ चल ठीक है, फिर दो बात और मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ। अगर पहली सेल में आप इस फ़ोन को परचेज करते हो तो इसमें आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ 1 साल का डिस्नी प्लस हॉटस्टार VIP का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मल्टीमीडिया के बारे में बता ही रहा था तो ये दोनों एक्स्ट्रा बातें भी बता दिया आपको। अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी और बैलेंस्ड चिपसेट है, और कुछ फील्ड्स में ये स्नैपड्रैगन 888 को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं इन वीडियोस में बताया हूँ, आप प्लीज़ एक बार जानना चाहते हो तो चेकआउट कर लेना, फिर से इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा प्लीज़। इसके रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, और रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें पोको वालों ने 3 रैम वेरिएंट्स लॉन्च किया है, 6GB 8GB और 12GB रैम वेरिएंट इसमें आपको मिल जाता है, और स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो वो सिर्फ आपको 2 ही मिल जाता है, 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज। स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट और UFS 3.1 स्टोरेज LPDDR5 रैम होने की वजह से फ़ोन तो एकदम सुपर फास्ट आपका चलेगा ही। इसकी वजह से आप कोई भी हाई एंड गेम इसमें एकदम हाईएस्ट ग्राफिक्स पर अच्छी तरह से खेल पाओगे, कोई भी लैग स्टटर वगैरह आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, और गेम खेलते वक्त ये चिपसेट आपको ज़्यादा हीटिंग इश्यूज भी फेस नहीं कराएगा, और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग 2.0 देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत हद तक फ़ोन को कूल रखता है, और इसमें ऑन पेपर अंतुतु स्कोर भी अच्छा खासा मिल जाता है, ऑलमोस्ट 7 लाख, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 4500 mAh का बैटरी विथ 67W फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। भैया जी फास्ट नहीं, सोनिक चार्जिंग। अरे हाँ, दोनों तो एक ही बात है ना, फास्ट चार्जर बोलूँ या सोनिक चार्जर बोलूँ, सेम ही बात है, दोनों ही फास्ट चार्ज करता है।
अभी पता नहीं ये कंपनीज का एक अलग चूल मची हुई है, सबको अपने अपने फास्ट चार्जर को अलग अलग नाम देना पड़ता है। अरे फास्ट चार्जर है फास्ट चार्जर ही बोलो ना, रियलमी कहता है सुपर डार्ट चार्जर, वन प्लस कहता है वार्प चार्जर, आईकू बोलता है फ्लैश चार्जर, अभी पोको कह रहा है सोनिक चार्जर। अरे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, याद रखने में तकलीफ होती है, जैसे बच्चे की नामकरण कर रहा है। रमेश ने अपनी बेटी के नाम रखा है स्नेहा, तो हम अपने बेटी का नाम स्नेहा नहीं रखेंगे, एस को उड़ा देंगे, सिर्फ नेहा रखेंगे। अरे दोनों ही तो बच्ची ही है ना, इंसानों के लिए भी फिर भी ठीक है ये बात, वरना सब लोगों का एक ही नाम हो जाता इंसान। लेकिन चार्जर में इतना नाम देने का कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हो आप, वीडियो को आगे बढ़ाओ, क्यों लंबा खींच रहे हो। ठीक है, तो फिर अभी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 10 बैंड्स के साथ 5G तो मिलती ही है, उसके साथ साथ डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, डुअल बैंड वाईफाई, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 और NFC भी मिलती है। और हाँ एक बात, इसमें NFC के साथ साथ नेविक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अभी इसकी OS के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको एज यूजुअल MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 है। अभी कैमरा के बारे में बात करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, यही पहला पोको का फ़ोन है जिसका कैमरा OIS के साथ आया हुआ है। और अभी कैमरा सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको एक छोटी सी पंच होल में 20 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है, और सभी सेंसर ही अच्छी खासी फोटोज वगैरह ले लेता है। वीडियोस के पास अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मैक्स 4K 60fps शूट करने का मौका मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप OIS को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब आप एकदम स्टेबल वीडियो चाहते हो, तो आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेबिलाइजेशन ऑन करोगे तो आपको आपके वीडियो की क्वालिटी को 1080p 60fps पर स्विच करना ही पड़ेगा। अभी देखो इस फ़ोन के पास आप ज़रूर देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें आपका गेमिंग वगैरह भी अच्छा खासा हो जाएगा, इसमें कैमरा सेटअप भी ठीक ठाक है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी इसमें बढ़िया मिल जाता है। और उसके साथ साथ एक बात है जो मैंने बताना भूल गया कि इसमें आपको 1 साल नहीं 2 साल का वारंटी मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल वारंटी मिलता है वो ही, लेकिन 1 साल नहीं 2 साल के लिए आपको मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें आपको IP53 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो मतलब पानी के छींटे वगैरह डस्ट वगैरह से फ़ोन प्रोटेक्टेड रहता है। तो मैं इसकी सभी फीचर्स के पास अगर देखूँ तो इसका सभी फीचर्स इस फ़ोन को एक फीचर पैक्ड फ़ोन बना देता है। तो अगर आपको पसंद आता है ये फ़ोन, आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। और अभी रुको रुको, वही फालतू के बातें मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा में फॉलो करना है, तो सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो में कुछ गलती लगा तो वो आप एज ए फीडबैक कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अरे यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कितनी बार बोलूँ मैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है तुम्हारा, कर दो प्लीज़ कर दो। अभी अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हो, लाइक कर दिए हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू। और नहीं किए हैं तो भी क्या कर सकते हैं, अभी मैं अगले वीडियोस की तैयारी कर लेता हूँ, तब तक आप हमारा जो दूसरा वीडियोज़ है उसमें अपनी महत्वपूर्ण दृष्टि डाल लो।